नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। हम अपने जीवन में बहुत तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इसके अलावा कई तरह के इंश्योरेंस लेते हैं जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेता है। लेकिन कई बार हम इंश्योरेंस चुनते समय कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने इंश्योरेंस करा रखी है फिर भी हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यह खबर आपके लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए इस खबर को ध्यानपूर्वक सुनें। जब आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस ले रहे हों तो सबसे पहले उसके प्रीमियम में मिलने वाले कवर पर ध्यान दें। इसके साथ ही यह भी चेक करें कि इतने ही प्रीमियम में और दूसरी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो आपको सामान कवर दे रही हों। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हमें पता चलता है कि कोई दूसरी कंपनी उसी प्रीमियम में और ज़्यादा कवर दे रही है। उस समय हमें बहुत बुरा लगता है और ख़ुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि कवर की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसी के आधार पर इंश्योरेंस आपको क्लेम देती है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप इंश्योरेंस की सारी शर्तों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। और ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करें, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कोई कंपनी एक वित्तीय वर्ष में कितने क्लेम सेटल करती है। अगर किसी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से कम हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी न लेकर आपको किसी और कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो अगर आप भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस कंपनी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि उस फ्रॉड के शिकार आप हो जाएं। हमेशा सतर्क रहें। तो हमारी यह इंश्योरेंस पॉलिसी की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।